डैनियल इकबाल एंड यू वाचिंग टीम एक्सकैलिबर। आज हम अपने व्यूअर्स के लिए जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं वो है होंडा सिविक रिबॉर्न VTI ओरियल प्रोस्मेटिक फुल ऑप्शन। ऑलरेडी मैं इसके दो रिव्यू बना चुका हूँ, लेकिन मैंने कहा एक समराइज रिव्यू इसका भी होना चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी फॉर सेल भी है और माशाल्लाह सारे इतने प्यार मोहब्बत करते हैं, तो हमारी इस वजह से भी लोग काफ़ी अप्रोच कर लेते हैं और उनको अच्छी गाड़ियाँ मार्केट में बहुत मुश्किल होती हैं ढूंढने के लिए, तो हमारे पास ऐसे जेम्स आए होते हैं, इसलिए एक तो ये काम भी हो जाता है और प्लस लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा इस गाड़ी के वेरियंट से। इसके अंदर एक तो बेस वेरियंट आता है जो कि मैनुअल हार्ड टॉप होता है, हार्ड टॉप मीन्स के विदाउट सनरूफ, फिर उसके बाद वो सिंपल VTI होती है, उसके बाद आता है VTI ओरियल, सिंपल VTI ओरियल मीन्स के मैनुअल सनरूफ, फिर आता है VTI प्रोस्मेटिक, प्रोस्मेटिक मीन्स के ऑटो है गाड़ी लेकिन सनरूफ नहीं है, एंड देन दिस वेरियंट्स कम VTI ओरियल प्रोस्मेटिक मीन्स फुल ऑप्शन रिबॉर्न ऑटो सनरूफ। अच्छा, उसके बाद अब मैं आपको इस गाड़ी की कंडीशन का बताता हूँ। इस गाड़ी इट्स टोटल जेन्युइन, इसका सिर्फ वो एक पैसेंजर डोर जो फ्रंट है वो स्प्रे है, अदर देन दैट एक ट्रंक नीचे से थोड़ी सी है बस, उसके अलावा गाड़ी में कोई टचिंग नहीं है, गाड़ी टोटल जेन्युइन है और हम इसकी 20.5 डिमांड कर रहे हैं। इट 2012 मॉडल, दिसंबर की इसकी इनवॉइस है और 13 में ये रजिस्टर्ड है गाड़ी, और सेकंड ऑनरशिप पे है मेरे वालिद साहब के नाम, बायोमेट्रिक एंड ईचर एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। बाकी गाड़ी की मैं आपको कंडीशन, इंटीरियर, आपने सिनेमेटिक्स भी देखे होंगे तो वो आपको उससे आइडिया हो जाना चाहिए। अच्छा, मार्केट में इस वक्त गाड़ी 9-10 मॉडल जो है वो भी आपको 19-20-21 यहाँ पर रिलाई कर रही है, 11 मॉडल भी आपको 22-22 की मिलती है, 12 मॉडल आपको 23-22 यहाँ इतने में मिल रही है, तो अगर जो सीरियस बायर होगा उसको खुद ही आइडिया हो जाना चाहिए कि हम 12x13 सिर्फ इसकी ये टचिंग है इतनी सी और एक ये वाला पैसेंजर डोर है फ्रंट, दैट्स इट। तो ये गाड़ी में टचिंग है और गाड़ी की कंडीशन के हिसाब से हर बंदे को आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर हम 20.5 इस गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं तो मार्केट में गाड़ी कितने की होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सो हियर इज द इंटीरियर ऑफ द कार, इट्स ओनली 96,000 ड्रिवन और सेकंड ऑनरशिप पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस गाड़ी की सील्स देखें, आप इस गाड़ी का रूम देखें, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये गाड़ी माशाल्लाह किस कंडीशन में है, और अगर आपको रूफ दिखाएं तो आपको असेसमेंट हो जानी चाहिए कि ये गाड़ी इस वक्त मार्केट में इतनी नीट गाड़ी किस कंडीशन में है, और इट्स 12 मॉडल 13 रजिस्टर्ड और हम इसकी एक बिल्कुल रिजनेबल प्राइस आस्किंग कर रहे हैं। लोग तो 23-24 ऐसी गाड़ी का मांगते हैं और शोरूम पे खड़ी करके तो वो कहते हैं बस मिठी निकाल लो। एनीवेज, आप इस गाड़ी को असेस करें, इसको देखें। अच्छा, इस गाड़ी में जो फ्यूल की अगर हम एवरेज मैं आपको सिर्फ बताऊं तो वो 8-9 मैक्स है इस गाड़ी की एवरेज, क्योंकि इतनी नीट होने के बावजूद ये ऑटो वेरियंट 8-9 इससे ज़्यादा एवरेज नहीं देता, मैक्स 9 ये एवरेज देता है सिटी में एसी के साथ। अच्छा, अब मैं आपको इस गाड़ी का इंजन कंपार्टमेंट दिखाता हूँ और फिर हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, तो ये है माशाल्लाह इसका इंजन कंपार्टमेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसकी नीटनेस आप देखें और आपको खुद ही गाड़ी अपना आप बताएगी। दिस इज़ नॉट एन ऑर्डनरी कार के जो आप समझें कि शायद ऐसी ईजिली मार्केट में अवेलेबल होगी, तो आप इस गाड़ी की सील्स चेक करें, बोनट की सील्स देखें। अच्छा, दिस इंजन इज़ आर सीरीज और ये 141 HP जनरेट करता है स्टॉक। इस इंजन में आप ऑल्ट्रेशंस नहीं कर सकते, जो कि D16 D17 में आप CF जो गाड़ी थी इससे पहले उसमें कर सकते थे, और कंपैरेटिवली D17 इज़ मोर फास्टर देन दिस वन अगर आप इन दोनों गाड़ियों का रन करें, जो कि मेरे पास है, जो कि D17 है उसके अंदर। अच्छा, आर सीरीज़ के अंदर एक ड्रॉबैक ये है कि आप इसकी ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते, सेकेंड इसका ड्रॉबैक ये है कि फ्यूल एवरेज, ये ऑटो वेरियंट 8 से ज़्यादा आपको एवरेज नहीं देगी, जो कि ये गाड़ी भी इस वक्त 8-9 कर रही है, इससे ज़्यादा नहीं कर रही, लेकिन लॉन्ग के ऊपर ये गाड़ी आपको 15 करती है, 14-15 वेरी इजीली इस कंडीशन में अगर कोई इंजन हो, ठीक है। गाड़ी ये मॉडल आया था 7 से लेके 12 तक, उसके बाद फिर शेप चेंज हो गई थी और फिर रीबर्थ लॉन्च हुई थी। 7 से पहले CF थी जो कि 4-5 वाली ES होती है सिविक, और कंपैरिजन में अगर हम इसके आए तो 7 से 12 में हमारे पास करोला थी जो कि डॉन मॉडल वाली है, और उसके बाद वो फिर शेप अप जो हुई थी बबल लाइट्स वाली, उसमें 1.3 1.6 1.8 ये तीन वेरिएंट्स थे, लेकिन रिबॉन के ऊपर लोग इसलिए क्योंकि एक तो ये लॉन्ग की बादशाह है, प्लस इस गाड़ी का जो रूम है और जिस तरह की ये ड्राइव है इस गाड़ी की, वो मेरे ख्याल से आज वाली X वाली वैसी भी इसका उसका कोई कंपैरिजन नहीं है।
क्योंकि रिबॉन अगर आज भी लॉन्च हो तो मेरे ख्याल से लोग इसको ज़्यादा पसंद करेंगे। प्री सेल वाइज गाड़ी बहुत अच्छी है कि माशाल्लाह ये हालात इस तरह होने के बावजूद भी लोग इसके ऊपर गाहक लगता है और लोग बहुत इसको पसंद करते हैं। स्पेयर पार्ट्स की तरफ आ जाएं तो स्पेयर पार्ट्स में ये गाड़ी बहुत एक्सपेंसिव है। इसकी कंगी का जो एक ड्रॉबैक है वो बहुत ज़्यादा इसमें आता है। ऑयल जो इसका पंप है फ्यूल का उसका आता है, प्लस कंगी लोग ज़्यादातर इसको EPS कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग कर लेते हैं, जिसके बाद ये काम नहीं निकालती है पावर का। और उसके अलावा बाकी खैर स्पेयर पार्ट्स में अगर लाइट्स हैं या कोई भी आप इसका स्पेयर पार्ट्स लेंगे वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन एक इसकी बात अच्छी है कि इस वक्त मार्केट में जो ES है, जो 4-5 वाली सिविक है, उसका इंजन इस वक्त 1,00,000 रुपये की है, हेड असम्बली D17 D16, लेकिन इस R सीरीज़ का इंजन ये आपको 50,000 का भी मिल जाएगा। तो उसके कंपैरेटिवली ES की ज़्यादा डिमांड है, लेकिन रिबॉन की आपको स्पेयर पार्ट्स मैकेनिकली थोड़े सस्ते मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक पावर शेयरिंग की तरफ जाएं, अगर आप इसके लाइट्स की तरफ जाएं या कोई बोनेट बाय करने जाएं इस तरह, तो वो दे आर बिट एक्सपेंसिव। बाकी मैंने आपको सारा बता दिया, अगर कोई किसी किस्म की कोई क्यूरीज हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। ठीक है, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट रिव्यू, और स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।